कराची से खबर शामिल करते हैं, जहां पर कराची प्रेस क्लब में माइनॉरिटीज पीपल्स अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें फाउंडर चेयरमैन याकूब शरीफ गिल, शहजाद बशीर भट्टी मरकजी जनरल सेक्रेटरी, रियासत शाहिद चीफ ऑर्गेनाइजर, सदाबहार साबका चेयरमैन यूनस इकबाल ओकाड़ा, असगर अहमद सदर ओकाड़ा, जावेद भट्टी सदर यूरोप, सुलेमान सलीम वाइस चेयरमैन पोलैंड, खालिद मसीह सदर पंजाब, जावेद मसीह सीनियर वाइस चेयरमैन, मैडम हाजरा सबा सदर खवातीन विंग कराची डिवीजन, मैडम इरम अफशान सदर खवातीन विंग सिंध, शमशाद मसीह शाहिद मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी, सैमसन जलाल सबका पर्सन, इरफान गुलजार सदर यूथ विंग कराची डिवीजन, डॉक्टर गुलजार भट्टी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब, सैमसन सुल्तान सदर कराची डिवीजन और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की और हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा किया कि पाकिस्तानी अकलियतों को सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए और वो भी आबादी के तनासब से हल्का बंदियों के साथ। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी और सूबाई और मकामी हुकूमतों में 5% कोटा की बुनियाद पर 5% से 7% खवातीन की सीटों पर एडजस्ट किया जाए, जो कि सब पाकिस्तानी अकलियतों का आईनी और कानूनी हक है।